नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देखें डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों आज का वीडियो में आप देख रहे हैं 8 पार लाइट लगी हुई है और एक डीएमएक्स 512 है, जो कि इससे मैं आज पार लाइट को रनिंग करवाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच कीजिएगा ताकि मैं इस वीडियो में जो भी कुछ समझाने वाला हूँ आप लोग को समझ में आ भी जाए। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा करके ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हम जब भी ऐसे पार लाइट से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 8 पार लाइट लगी हुई है, सब में लाइन दे दिया गया है और सब में कोड भी डाल दिया गया है। दोस्तों अब मैं डीएमएक्स में लाइन ऑन करने जा रहा हूँ स्विच। ये देखिए मैं जैसे ही डीएमएक्स का स्विच ऑन किया सारी पार लाइटें एक साथ बुझ गई। अब दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए ये फर्स्ट वाली स्कैनर बटन है, इसे दोस्तों स्कैनर बटन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ऊपर हेडिंग में लिखा गया है स्कैनर बटन। ये जो 12 बटन होती है ये स्कैनर बटन है और यहाँ स्कैन बटन दिया गया है 1 से 8 तक। दोस्तों यहाँ पर 1 से 8 तक ये स्कैन बटन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेज सेलेक्टर। दोस्तों मैं यहाँ पर 1 से 8 तक पेज नंबर ए होता है और 9 से 16 तक पेज नंबर बी होता है। यहाँ पर आप पेज ए और पेज बी देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे पेज ए का भी इंडिकेटर शो कर रहा है। देखिए मैं एक बार बटन को एक बार प्रेस कर दूंगा तो ये पेज बी में आ गया, यानी कि 9 से 16 तक वाला फीडर में काम करेगा। दोस्तों मैं इसे फिलहाल पेज ए कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 8 तक हमारा फेडर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2 फेडर अलग से दी गई है, ये है स्पीड वाली फीडर और ये है यहाँ पर टाइम वाली फीडर ये है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बैंक के लिए जो डिस्प्ले दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैंक का अप और डाउन बटन दिया गया है, प्रोग्राम का बटन दिया गया है, मिनी ऐड का बटन दिया गया है, ऑटो डिलीट का बटन दिया गया है और यहाँ पे म्यूजिक, बैंक कॉपी, टेम्पररी डिस्प्ले। और दोस्तों यहाँ पर चेस नंबर देख सकते हैं 1 से 6 तक दिया गया है और यहाँ पर लास्ट में एक ब्लैकआउट का बटन दे दिया गया है ये वाला। अब दोस्तों आइए मैं इसमें सब पहले आपको पावर लाइट चेक करा दूँ। मेरे जो D001 पे है दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ये जो स्कैनर बटन का 1 नंबर है ये D001 के लिए है। और दोस्तों उसके बाद जो 16 का स्पेस होता है जैसे D017 तो ये 2 नंबर स्कैनर बटन D017 के लिए काम करेगा और तीसरे के लिए D033 के लिए तीसरा बटन काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 पार लाइट लगी हुई है तो मैं सबसे पहले एक वाले को चेक कर रहा हूँ। ये देखिए अभी ऑफ है, इसे मैं उठाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वाली फीडर लाइट के लिए होती है तो इसे मैं उठाता हूं और इसके बाद देखिए कोई भी फीडर नहीं उठेगी तो कोई भी लाइट नहीं आएगी। दोस्तों मेरा यहां पर सेकेंड वाला जो फीडर है ये रेड के लिए होता है, थर्ड वाला होता है ये ग्रीन के लिए होता है और ये 4 वाला ब्लू के लिए होता है। और दोस्तों अगर तीनों को उठा दें तो ये वाइट कलर बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 5 वाला जो फीडर है इसे हम उठाएँगे तो ये फ्लेशर का काम करेगा। ये देखिए तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अब मैं डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरे वाला स्कैनर बटन को ऑन कर दिया और यहाँ पर मैं फेडर को उठाता हूँ तो एक साथ 2 पार लाइट जल गई, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ पर 2 स्कैनर बटन ऑन है। दोस्तों यहाँ पे मैं तीसरे वाले स्कैनर बटन को ऑन करके दोनों को ऑफ कर देता हूँ तो केवल तीसरे वाला ही पार लाइट ऑन होगा। ये देखिए यदि मैं ऊपर से तीनों को कंटिन्यू प्रेस कर देता हूँ तो ये तीनों जलेगा। दोस्तों मैं एक एक करके सबको चेक कर ले रहा हूँ और ये लास्ट 8। दोस्तों यहाँ पर सारी पार लाइटें अभी ऑन हो चुकी है, 8 के 8 पार लाइट और सभी में लाल कलर है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसे और डाउन करके ये कर देता हूँ तो ये हरा कलर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कोड शो हो रहे हैं ये आप स्क्रीन शॉट करके रख भी सकते हैं, आपके काम आएंगे शायद आपके पार लाइट में लगाने पड़े तो। तो चलिए दोस्तों अब इसके प्रोग्रामिंग, रनिंग वाला प्रोग्रामिंग सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये जो देखिए 1 नंबर से 8 नंबर तक ये रन होते हुए आएगा और वापस से रन होते हुए जाएगा। चलिए दोस्तों मैं इस प्रोग्रामिंग को पहले स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए जो आप सबसे पहले 8 स्कैनर बटन है इस सबको ऑफ कर देना है, फेडर को भी डाउन कर देनी है। और अब दोस्तों यहाँ पे हमारे स्विच ऑन ऑफ करके एक बार ऑन कर देते हैं तो हमारी सारी पार लाइटें ऑफ हो चुकी है। अब दोस्तों हमें सबसे पहले प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्राम वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना होता है। ये देखिए यहाँ पे जो एक एलईडी ब्लिंक कर रही है ये प्रोग्राम वाली एलईडी है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं 1 नंबर वाले स्कैनर को ऑन किया, अब इसमें मैं लाल रंग भरा, देख सकते हैं
मिनी एड वन। दोस्तों यहाँ पे जो लाइटें एक बार बिलिंग की सारी एलईडी, उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे बैंक में एक प्रोग्रामिंग ऐड हो चुकी है। दोस्तों इसी तरह कंटिन्यू मैं एक को ऑफ करके दूसरे को ऑन किया, मिनी ऐड टू। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप एक प्रोग्रामिंग को सेव करते हैं तो 1 से 8 तक ही सेव कर पाइएगा, उसके बाद आपको बैंक चेंज करना पड़ेगा अगर आप 8 पारलाइट से ज़्यादा पारलाइट यूज करते हैं तो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 8 ही पारलाइट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे दूसरे बैंक में कंटिन्यू सेव के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा दूसरा में सेव हो चुका है। यहाँ पे तीसरे पारलाइट को मिनी एड थ्री, मिनी एड फोर, मिनी एड फाइव, मिनी एड सिक्स, यहाँ पे मिनी एड सेवन, और यहाँ पे लास्ट में दोस्तों देखिए मिनी एड एट। दोस्तों ये जो मैं काम किया हूँ, ये देखिए प्रोग्राम को लॉन्ग पेस करना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो ब्लिंक हो रही है, ये एलईडी ब्लैकआउट वाली के सीधे में एलईडी ब्लिंक होगी, उसके बाद एक बार ब्लैकआउट वाली बटन को एक बार हमें प्रेस कर देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमें एलईडी बता रही है ब्लैकआउट करने के लिए, और हमारा ब्लैकआउट वाला बटन ये है, तो इसे हम एक बार प्रेस कर देंगे तो हमारी ये एलईडी ऑफ हो जाती है। तो अब दोस्तों ये जो मैं अभी प्रोग्राम को ऐड किया हूँ, इसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए एक बार हमें ऑटो वाली बटन को प्रेस करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ऑटो वाली के बगल में एलईडी है, ये एक बार ऑन हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें स्पीड वाली फीडर को उठानी होती है। दोस्तों हमारा एक कलर का रनिंग जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है हमारे डीएमएस के मेमोरी में। अब दोस्तों इसी प्रोग्रामिंग को मैं चेस में अपलोड करूँगा, क्योंकि हमें जब प्रोग्रामिंग रोड शो वगैरह में या ट्रस्ट डीजे में लगाना होता है तो उसमें हमें चेस वाले प्रोग्रामिंग में ऐड करना होता है, तभी हमारी प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल चलती है। नहीं तो यहाँ से अगर आप बैंक नंबर से चलाइएगा तो एक नंबर, ये जो अप डाउन वाली बटन होती है, इसे बार बार प्रेस करना होगा, तो हमारी प्रोग्रामिंग अलग से चलेगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं काम किया हूँ, जो कि लाल रंग वाला जो रनिंग किया हूँ, ये हमें बैंक नंबर 101 में किया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें अस्किनर चेस में ऐड करनी है, इसीलिए सबसे पहले प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस और चेस वाली बटन को एक बार प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, प्रोग्राम वाली एलईडी ब्लिंक हो रही है और हमारे चेस के सीधे में एक नंबर आ गया, यानी हमारा चेस नंबर 1 ऐड है और हमारे बैंक नंबर 101 का जो बैंक कॉपी है ये स्कैन होगा इसमें। तो दोस्तों हमें सबसे पहले स्कैन नंबर 1 को दबानी होती है, फर्स्ट वाली पारलाइट आ गई। अब इसे हम एक बार करेंगे मिनी एड, ये जो एक बार सारी एलईडी ब्लिंक की, यानी कि हमारा ये प्रोग्राम अब सेव हो चुका है। फिर इसे 2 में करेंगे, फिर एक बार मिनी एड, 3 मिनी एड, 4 मिनी एड, 5 मिनी एड, 6 मिनी एड, 7 मिनी एड, 8 मिनी एड। अब दोस्तों हमें जो यहाँ पे चेस में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग है जैसे 1 से 8 तक आ गया, 8 से वापस 1 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मैं 8 वाले बटन को फिर से एक बार प्रेस कर रहा हूँ, फिर से एक बार मिनी एड, और वापस अब लिखना है 7 मिनी एड, 6 मिनी एड, 5 मिनी एड, 4 मिनी एड, 3 मिनी एड, 2 मिनी एड, 1 मिनी एड। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, जो लाइट जलते हुए 1 से 8 तक आई और 8 से 1 तक गई, यानी अब इसी को हम करीब 5-6 बार कंटिन्यू दोहरा देते हैं ताकि वो रनिंग उतना बार होते रहे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ 1 मिनट। दोस्तों मैं अब यहाँ पे 4 से 5 बार कंटिन्यू इसे रनिंग करवा लिया हूँ। अब दोस्तों हमें करना है यहाँ पे प्रोग्रामिंग को लॉन्ग टेस्ट।
फिर ये हमें ब्लैकआउट करने के लिए कह रहा है, इसे ब्लैकआउट कर देते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसे प्रोग्रामिंग को चलाना चाहते हैं केवल एक ही प्रोग्रामिंग, तो केवल चेस्ट नंबर वन को एक बार प्रेस कर देना है, हमारे डिस्प्ले में यहाँ पर एक आ गया। और दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, केवल एक बार स्पीड वाले फीडर को उठा के और छोड़ देना है। और दोस्तों यहाँ पे चला नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑटो वाला बटन ऑन नहीं था। अब मैं यहाँ ऑटो वाले बटन को जैसे ही ऑन करूँगा तैसे इसका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रनिंग अगर आपको सेटिंग समझ में आ चुकी है तो अब इस वीडियो को अभी यहीं पे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।